राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स यानी एनएसजी ने मंगलवार को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह रहे तो मानेसर के ग्राउंड में एनएसजी कमांडो ने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट देखिए। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये नारा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा ब्लैक यूनिफॉर्म के साथ नजर आते हैं। देश के ये जवाब कमांडो हमेशा अपनी जान हथेली पर रखकर चलते हैं, चाहे हार्ड कपाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, आतंकियों की गोलियां बरसे या बम धमाके, इनके कदम न कभी रुकते और न कभी थकते। हरियाणा के मानेसर में आतंकवाद के खिलाफ देश की सर्वोच्च फोर्स मानी जाने वाली एनएसजी की 35वीं स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमले के शहीदों को सम्मानित किया। एनएसजी ने एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया, जिसमें आतंकवादियों से निपटने और बंदी रक्षकों से निपटने में कमांडो की दृढ़ता दिखाई गई। अमित शाह ने एनएसजी कमांडोज द्वारा की जा रही सभी प्रस्तुतियां देखी और सराही। एनएसजी ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर कई तरीके के एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन के बारे में दिखाया। ये वो जाबाज जवान हैं जिन्होंने मुंबई अटैक 26/11 हो, अहमदाबाद के अक्षरधाम अटैक, जम्मू कश्मीर के रघुनाथ मंदिर पर अटैक के दौरान अपना अहम योगदान दिया है। ऐसे कई बड़े बड़े ऑपरेशन हैं जिनमें एनएसजी के जाबाजों की भूमिका रही है। माना जाए तो देश का एनएसजी दस्ता आतंकवादियों के लिए एक तरह का सुदर्शन चक्र है। हालात कोई भी हो, एनएसजी के कमांडो अपना कार्य हमेशा पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।